उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। संतों की हत्या को लेकर शिवसेना की ओर से संजय राउत ने ट्वीट कर हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को फोन करके महाराष्ट्र की तर्ज पर कार्रवाई करने की बात कही है। संजय राउत के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाराष्ट्र संभालने की नसीहत दी और कहा कि यूपी की चिंता न करें। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पालघर की घटना को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया था। शिवसेना नेता के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि संजय राउत जी, संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को फोन किया क्योंकि पालघर के साधु निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे। अब सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। तो वहीं बुलंदशहर में संतों की हत्या पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएम कार्यालय के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहां कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। बुलंदशहर की घटना में त्वरित कार्रवाई हुई और चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप महाराष्ट्र संभालें, यूपी की चिंता न करें। सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर कई घंटों तक योगी है तो न्याय है का हैशटैग ट्रेंड करता रहा। आपको बता दें कि सोमवार को बुलंदशहर जिले के पगोना के शिव मंदिर के साधु जगदीश और शेर सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बताया जाता है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो नशा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS।